एक बार आप कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पर उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ दो संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। पहली योजना थी कि इन सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन अचले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही तीन फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज़्म पढ़ी, जिसका लम्बू लबाब था कि किस तरह इन शहीदों के अचले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी थीं, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके दो कॉमरेडों ने। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का
एक कारण साबित होगी। इंकलाब जिंदाबाद।